आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे पांच ऐसे ट्रिपल ए कॉन्सोल क्वालिटी गेम्स जिनकी ग्राफिक्स कमाल की होंगी, पीसी लाइक एक्सपीरियंस वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और उनमें से ज्यादातर गेम्स ओपन वर्ल्ड होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। चलिए फिर साथ में मिलकर के पता करते हैं उन गेम्स के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो का कोई भी गेम किसी रैंकिंग के हिसाब से रेंज नहीं किया गया है, सब रैंडमली है। और हर बार की तरह इस वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को एक बोनस गेम भी देखने के लिए मिलेगा। और आज से पहले सीरीज के ऑलरेडी 3 एपिसोड आ चुके हैं जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टाइम मिलने पर उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। अगर बात करें फर्स्ट गेम की तो वो है द डिविजन मोबाइल। कुछ ही दिनों पहले यूबीसॉफ्ट ने अपना डिविजन यूनिवर्स को अनाउंस किया था, जिसके अंदर उनके पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स एंड मूवीज भी शामिल थे। एंड फाइनली उन्होंने अपना मोबाइल गेम रिवील कर दिया है। जी हाँ, यह है वही पीसी एंड कंसोल लाइक एक्सपीरियंस मोबाइल डिवाइसेस पर प्रोवाइड कराता है, बट विद अ ब्रांड न्यू स्टोरी लाइन, जिसकी स्टोरी डिविजन 1 एंड डिविजन 2 के इवेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये थर्ड पर्सन आरपीजी शूटर एक बहुत ही वास्ट ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस हमारे लिए लेकर के आएगा विद वेरी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम बाय टाइम बाय कलेक्टिंग एंड अपग्रेडिंग टन्स ऑफ गियर्स एंड वेपन्स। सो आई होप आप लोग इस गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ में बात करते हैं हमारे सेकंड गेम की, जो है कोड ए। कोड ए पोस्ट एपोकलिप्टिक एनवायरनमेंट में सेट गेम है, जिसमें डोमस्टे के बाद की दुनिया दिखाई गई है, यानी कि कयामत के बाद की दुनिया जिसमें आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। इस गेम को बनाया गया है अनरियल इंजन 4 के ऊपर, सो जाहिर सी बात है इस गेम के विजुअल्स कमाल के होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में डिजास्टर खत्म हुआ है और हर कोने से मॉन्स्टर्स निकल कर के आते हैं, तो सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सो छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है, सप्लाईज लानी होंगी, एक शेल्टर को तैयार करना होगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हुआ हो, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें दुनिया को जिंदा रखना है। और हमारी वीडियो का थर्ड गेम निकल कर के आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से, किंगडम दी ब्लड। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाला ये गेम हमें काफी खतरनाक हॉरिफिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। इस गेम के अंदर हमारा सामना होगा ऐसे लोगों से जो कि मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कटाना चलाएंगे, शानदार एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, खतरनाक फाइटिंग होने वाली है और ये गेम पीसी एंड मोबाइल डिवाइसेस दोनों पर ही आएगा। सो ग्राफिक्स के बारे में तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, साथ ही यहाँ पर हमें एंशिएंट कोरिया देखने के लिए मिलेगा। ये गेम हमें कुछ नया ऑफर करता है विद सिनेमैटिक कटसीन्स एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसमें हर बार एक हॉरर एलिमेंट शामिल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चारों तरफ तबाही का माहौल होने वाला है और हम लोग एक साथ ढेर सारे एनिमीज का सामना करेंगे। और अगर बात करें फोर्थ गेम की तो वो है एरिना ब्रेकआउट। अब यारो, एरिना ब्रेकआउट के बारे में तो क्या ही कहना, इस गेम के बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, साथ ही इस गेम को एस्केप फ्रॉम टारकोव की कॉपी भी बोला जाता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन शूटिंग के मामले में ये एक विजुअल डिलाइट है। जी हाँ, काफी तगड़ा एक्शन विद प्रॉपर रिकॉइल एंड कंट्रोल्स एंड बीच बीच में सिनेमैटिक्स इस गेम की फील को काफी ज्यादा एनहेंस करते हैं। और हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि इस गेम का जो मैप है वो इसको एक रियलिस्टिक टच प्रोवाइड कराता है। साथ ही में अब तो इसका ग्लोबल वर्जन भी आने वाला है, तो बस और क्या चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ बात करते हैं बोनस गेम की, जो कि है तो जिन योंग स्पार्क 2022। देखो, हर एक गेम अपने साथ कुछ नया लेकर के आता है और शायद टेंसेंट इसी बात को साबित करना चाहता है। ये गेम अपने आप में ही एक बहुत ही सादा शानदार विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको अनरियल इंजन 5 के ऊपर बनाया गया है। एक तगड़ा कॉम्बैट, 1-on-1 फाइट्स और ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस इस गेम को एक मस्ट प्ले बनाते हैं। और अगर मेरी माने तो मुझे इस गेम के अंदर थोड़ी थोड़ी गोस्ट ऑफ सुशीमा वाली झलक भी देखने के लिए मिलती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गेम पीसी एंड मोबाइल डिवाइसेस दोनों पर ही आएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो आप हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स, और ऐसे प्राइम मेंबर ये आपका फर्स्ट बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लास्ट गेम निकल करके आता है वंस वी हियर। देखो, एक समय था जब मोबाइल गेम्स बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ करते थे और मोबाइल और पीसी गेम्स के बीच में ग्राफिक्स का बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन आज के समय में ज्यादातर सभी पीसी गेम्स मोबाइल पर आ रहे हैं, एंड सो ऑन वंस वी ह्यूमन। ये गेम भी पीसी एंड मोबाइल डिवाइसेस दोनों पर ही देखने के लिए मिलेगा, और ये गेम आप लोगों को याद रहेगा इसकी बॉस बैटल्स की वजह से। जी हाँ, इस गेम के अंदर ज्यादातर वो सब कुछ है जो कि एक गेमर डिमांड करता है, शानदार ग्राफिक्स, कमाल का शूटिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी और सिनेमैटिक कट सीन्स। और हम ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकते हैं, एंड चेरी ऑन द टॉप है इस गेम का हॉरर एलिमेंट। तो बस, मैं तो इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आप क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
सो मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस अगर आप लोग फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस परिवार के साथ। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।